टेस्ला और एक्स जैसी कंपनियों के सीईओ एलन मस्क ने अब इंसानी दिमाग को एक छोटी सी चिप के जरिए कंट्रोल करने की बात कही है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार किसी इंसान के दिमाग में चिप इम्प्लांट की है। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा है कि जिस व्यक्ति के दिमाग में ये चिप लगाई गई है उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। मस्क ने यह भी बताया कि न्यूरालिंक की जो चिप व्यक्ति के दिमाग में लगाई गई है उसका नाम टेलीपैथी है। बताया जा रहा है कि ये चिप उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है जिनके हाथ या पैर काम नहीं करते हैं। न्यूरालिंक का दावा है कि चिप की मदद से इंसान अपने दिमाग से ही कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स को कंट्रोल कर सकेंगे, यानी बिना हाथ या उंगलियों का इस्तेमाल किए लोग मोबाइल और कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर पाएंगे। मस्क के मुताबिक ब्रेन चिप के ट्रायल का मकसद वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम करना है। बीते साल सितंबर में अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूरालिंक को ब्रेन चिप की ह्यूमन टेस्टिंग के लिए मंजूरी दी थी। न्यूरालिंक का लक्ष्य 2030 तक 22,000 लोगों में ब्रेन चिप लगाने का है। हालांकि न्यूरालिंक पर ब्रेन चिप के परीक्षण में जल्दबाजी करने और नियमों की अनदेखी का आरोप भी लगता रहा है। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में योग गुरु रामदेव का मोम का पुतला लगाया जाएगा। इस पुतले का आज दिल्ली में एक समारोह में अनावरण किया गया। इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी वहां मौजूद रहे। योग गुरु रामदेव का मोम का पुतला ऐसा दिख रहा था जैसे उसमें जान फूंक दी गई हो। देखकर ये फर्क कर पाना मुश्किल था कि ये असली नहीं बल्कि मोम से बना है। अनावरण के बाद सबसे पहले बाबा रामदेव ने मैडम तुसॉड्स में लगने वाले उनके पुतले के माथे पर तिलक लगाया। इसके बाद वो मूर्ति के बराबर में ठीक उसी आसन में खड़े हो गए जिसमें मोम की मूर्ति बनाई गई है। इस दौरान दोनों में फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया। योग गुरु ने बताया कि इसे 200 कारीगरों ने तैयार किया है। 200 मेजरमेंट्स, 200 कारीगर, स्किल्ड लोग जो इसको इस विधा को जीते हैं और 2 साल से ज्यादा का वक्त लगाया, 2 करोड़ से ज्यादा इसमें कॉस्ट लगी है। गेरुआ वस्त्र की सिलवटों से लेकर हाथ पैरों की नसों तक सब कुछ एक जैसा था। यहाँ तक कि 2 साल में बने योग गुरु रामदेव के मोम के इस पुतले में एक एक बाल भी असली है और हाथ से लगाया गया है ताकि ये स्टैचू जीवंत लगे। बाबा रामदेव पहले भारतीय सन्यासी होंगे जिनका स्टैचू मैडम तुसाद में लगने जा रहा है। इस मौके पर योग गुरु रामदेव ने जी मीडिया और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का भी आभार जताया और कहा कि योग को विश्वव्यापी बनाने में जी मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। वर्ल्ड के लगभग 200 देशों में जहाँ जहाँ जिए पिछले लगभग 10 सालों तक लगातार वहाँ योग का कार्यक्रम जी ने भी दिखाया, तो योग को विश्वव्यापी बनाने के लिए जी का भी धन्यवाद। मैडम तुसॉड्स में अपना स्टैचू लगने पर बाबा रामदेव ने कहा कि ये योग और भारत के लिए गौरव की बात है। वर्ल्ड के जो टॉप 200 जो आइकॉन्स हैं, उसमें एक सन्यासी को सम्मिलित करना वो इंडिकेशन है कि अब ये जो 21वीं सदी है ये योग और अध्यात्म की सदी होगी, भारत की सदी होगी। इससे पहले भी न्यूयॉर्क के मैडम तुसॉड्स में कई भारतीयों के मोम के पुतले लगाए जा चुके हैं जिनमें अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन समेत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ जैसे चेहरे शामिल हैं। Zee News.